हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड अ पोएम अबाउट अ ट्रेन. ट्रेन्स ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स. माउंटेन्स पहाड़ों से होती हुई, प्लेन्स मैदानों से होती हुई, रिवर्स नदियों से होती हुई, हेयर कम द ट्रेन्स. यहाँ ये देखो, ट्रेन आ गई, कैरिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को लेती हुई, कैरिंग मेल. इन डब्बों में मेल है, मेल मतलब लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं. ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स, उनके बहुत कीमती और अनमोल जो लोड्स हैं, सामान है, वो लेती हुई. इन विदाउट फेल, बिना किसी फेलियर के. थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, कार फ्रेट कार्स मीन्स जो ट्रेन के में जो ये डब्बे लगे होते हैं, इनको फ्रेट कार्स कहते हैं. ऑल रशिंग ऑन, सब साथ में चल रहे हैं. थ्रू डे एंड डार्कनेस, चाहे दिन हो या रात हो. थ्रू डस्क एंड डॉन, चाहे डस्क हो या डॉन हो. ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों से होती हुई. ओवर द प्लेन्स, मैदानों से होती हुई. ओवर द रिवर्स, नदियों से होती हुई. हियर कम द ट्रेन्स, ये देखो ट्रेन आ गई. ये थी हमारी एक पोएम जो जिसका नाम है ट्रेन, जिसे लिखा है जेम्स एस टिपिट ने. और हमारे यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे माउंटेन्स पहाड़, पैसेंजर्स यात्री, रिवर्स नदियां, प्रीशियस अनमोल, मेल चिट्ठियां, प्लेन्स मैदान या जो भी समतल प्लेन्स जमीन होती है उसे प्लेन्स कहते हैं. डस्क, डस्क वो लाइट होती है जो हमें सनसेट से पहले दिखती है. एंड डॉन, डॉन वो लाइट होती है जो हमें सनराइज से पहले दिखती है. ये रही हमारी पोएम ट्रेन. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस. So we will start from the page number 54, and the question number 1 is, where do the trains run? Train kahan run karti hai, kahan daudti hai? Answer first is, the train runs over mountains, plains and river. Train jo hai wo mountains par, pahadon pe, plains par aur river pe daudti hai. Second question hai, what are the precious loads that they carry? वो precious loads मतलब जो वो अनमोल सामान क्या है जो वो कैरी करती है, उठाती है. दे कैरी पैसेंजर्स, पार्सल एंड लेटर्स. वो कैरी करती है पैसेंजर्स, यात्रियों को, पार्सल्स को. पार्सल जैसे हमारे घर में कोई भी कुरियर आता है, दोज आर कॉल्ड पार्सल्स. लेटर्स चिट्ठियाँ, ये सारी वो कैरी करती है. थर्ड क्वेश्चन है, वेन डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन कब दौड़ती है? ट्रेन रन इन डेज एंड नाइट्स. ट्रेन हर वक्त दौड़ती है, जैसे चाहे दिन हो या रात हो, शाम हो सुबह हो, एवरी टाइम. वट इज डस्क एंड डॉन? डस्क और डॉन क्या है? आंसर फोर इज, डॉन मीन्स स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग के पहले का जो वक्त रहता है दैट इज कॉल्ड डॉन. एंड डस्क इज स्टार्ट ऑफ इवनिंग. इवनिंग के पहले का जो वक्त होता है दैट इज कॉल्ड डस्क. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज वर्ड बिल्डिंग. द क्वेश्चन इज, सॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टू करेक्ट ग्रुप्स. वन इज डन फॉर यू. हमें सॉर्ट करना है सही सही ग्रुप में. और ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स से हमें ऑप्शन ढूंढने हैं. ऑप्शन है बस, ट्रेन, कार, बाइसिकल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, ट्रक, बोट, स्टीमर. फर्स्ट है हमारा लैंड. लैंड में हमें यहाँ पर सॉर्ट करना है. एयर, एयर के हमें कॉलम्स में सॉर्ट करना है. वाटर, वाटर में सॉर्ट करना है. लैंड ट्रांसपोर्ट आर बस, ट्रक, ट्रेन, कार, बाइसिकल. एयर ट्रांसपोर्ट आर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. वाटर ट्रांसपोर्ट्स आर शिप, बोट एंड स्टीमर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्लीट द सेंटेंस. हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्रॉम ब्रैकेट. गिव मी सम फूड टू ईट. क्लोज तो हम खा नहीं सकते हैं, तो वी विल चूज फूड. सेकेंड क्वेश्चन इज, प्ले विद डैच, प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो. ग्रे इज अ कलर, तो ग्रे तो चूज होगा नहीं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, स्विम अक्रॉस ब्लैंक. स्विम अक्रॉस रिवर. बोट में तो हम स्विमिंग करते नहीं है, हम रिवर में स्विम करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स गेट ऑन द ट्रेन. चलो ट्रेन ट्रेन पे चलते हैं. एक्सरसाइजेस हमारे कंप्लीट हो गए. थैंक यू. हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड अ स्टोरी फ्रॉम क्लास 3 इंग्लिश बुक. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ द रोड. इट इज अर्ली मॉर्निंग. सुबह हो रही है. द रोड इज अस्लीप. एवरीथिंग इज क्वाइट. सब शांत है क्योंकि सुबह होती है तो लगभग सब सोते रहते हैं. द रोड इज अस्लीप. बट लिसन,
पर सुनो, लेकिन सुनो, लिसन मीन सुनना, लिसन मतलब होता है सुनना। द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो धीरे धीरे कुछ कुछ बोल रही है। व्हाट द बर्ड्स आर सेइंग कॉलिंग, चिरप 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 से। द स्पैरो, स्पैरो मतलब होता है गौरैया, एक छोटी सी बर्ड होती है जो ज्यादा हमें समर टाइम में दिखती है। चिरप चिरप चिरप। काओ 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 सेज द क्रो, क्रो के का साउंड आता है काओ काओ काओ, क्रो मीन्स कौआ। काओ 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 वेकअप वेकअप, उठ जाओ उठ जाओ, वेकअप वेकअप। हियर इज समवन एल्स नाउ, यहाँ तो कोई और भी है। ट्रिंगालिंग 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 एक साउंड है। इट इज द न्यूज़पेपर बॉय, ये अखबार बांटने वाला लड़का है जो एवरीडे किसी सबके घर में अखबार आते हैं। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाइसिकल, उसके बाइसिकल का साउंड है ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। वेकअप, ट्रिंगलिंग उसका जो हॉर्न है वो ट्रिंगलिंग का साउंड आ रहा है उससे। वेकअप, जग जाओ। चिरप चिरप से द स्पैरो, चिरप चिरप फिर से स्पैरो की आवाज आती है। काओ काओ सेज द क्रो, वेकअप। काओ काओ क्रो की आवाज आती है, वेकअप उठ जाओ। हु इज दिस कमिंग नाउ, कौन आ रहा है अब। इट इज द वेजिटेबल मैन, ये तो सब्जी बेचने वाला है। पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस सेज द वेजिटेबल मैन, ये कुछ वेजिटेबल के नाम है। पीस, मटर, कॉलीफ्लावर्स, फूल गोभी, कैबेजेस, बंद गोभी सेज द वेजिटेबल, ऐसे वो बोलते हुए आते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग हमारे घर के आसपास जो वेजिटेबल मैन बोलते हुए, वैसे। पोटेटोज, ककम्बर्स, रेडिशेस, कैरेट्स, काओ पोटेटोज बेच रहा है, कोकम्बर्स है, रेडिश है, कैरेट्स है, सारी चीजें उसके पास। कॉ सेज द क्रो, वेकअप। अगेन क्रो की आवाज आती है, काउ काउ क्रो बोलता है और वेकअप। चिरप चिरप सेज द स्पैरो, स्पैरो की आवाज आती है, चिरप चिरप। ट्राम 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 ट्राम, चैटर 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 चैटर, हु आर दीज। अब ये ट्राम ट्राम और चैटर चैटर किसकी आवाज है। दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, ये बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, बच्चे जो है उनकी बात करने को, हम उनकी बात करने के साउंड को चैटर चैटर कहते हैं। जब हम, जब ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैटरिंग। ट्राम 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 गो देयर शूज, उनके शू का साउंड आ रहा है ट्राम ट्राम। पीस, कैरेट्स, कैबेजेस कॉल द वेजिटेबल, मॉर्निंग हो चुकी है तो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। वेजिटेबल मैन सब्जी बेच रहा है। चिरप 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 स्पैरो का साउंड आ रहा है। काउ काउ क्रो की आवाज आ रही है, वेकअप। काउ 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 सेज द क्रो, काउ काउ वेकअप। वेक अप आस्क द रोड्स, कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। सब लाइक स्पैरोज हैं, क्रो है, जब सब उसे वेकअप कह रहे हैं, काउ काउ कर रहे हैं और चिरप चिरप कर रहे हैं। दे आर सेइंग वेकअप, उठ जाओ। आस्क द रोड, वो रोड को बोलते हैं। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। यू फुलिश बर्ड, फुलिश मतलब बेवकूफ चिड़िया। आई एम वाइड अवेक, मैं उठ चुकी हूँ। अब इस स्टोरी में हमें कुछ न्यू वर्ड्स देखने को मिले हैं। दे आर न्यूज पेपर, अखबार, क्यूकम्बर ककड़ी, कैबेज बंद गोभी, पोटेटोज आलू, रेडिश मूली, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, फुलिश बेवकूफ। नाउ वी विल कम ऑन पेज नंबर 60 एंड वी विल डू द एक्सरसाइजेस। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, वन इज, वट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में तुम्हें रोड पर, सड़कों पर कौन कौन सी साउंड सुनने को मिलता है। सो आंसर फर्स्ट इज, हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, हमें, आई हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, मुझे बर्ड्स की आवाज सुनने को मिलती है। न्यूज पेपर, वेजिटेबल मैन एंड स्कूल चिल्ड्रन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, वट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग, वेजिटेबल मैन क्या बेच रहा है। वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, पोटेटोज, ककम्बर्स, रेडिशेस एंड कैरेट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वाई इज द रोड अनवॉयड विद क्रो, क्रो से रोड परेशान, अनॉय मतलब परेशान होना, क्यों परेशान हो रहा है। आंसर थर्ड, द रोड इज अनॉयड विद द क्रो बिकॉज द क्रो इज काउइंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि क्रो जो है वो बार बार कंटिन्यूअसली वो काव काव कर रहा है। जब, क्योंकि जब भी कौआ काफी ज्यादा काव काव करता है तो सबको प्रॉब्लम होती है। टू वेक अप द रोड, बट द रोड इज ऑलरेडी अवेक, लेकिन रोड जो है वो पहले से उठ चुका था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन कैन नॉट अल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें फिल करना है इसमें कैन या कैन नॉट। आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स, मैं कार्स की आवाज को सुन सकती हूँ। आई कैन हियर द ट्रेन विसल, विसल मतलब होता है जब ट्रेन चलती है तो उसमें एक
साउंड आता है, डैट इज कॉल्ड विसल, डैट इज कॉल्ड सिटी, सिटी बजती है। आई कैन हियर द ट्रेन विसल, आई कैन हियर द विंड ब्लो, मैं हवा, जब हवा बहती है तो हम भी उसकी कभी कभी, जब हवा कब काफी तेज बहती है तो उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। आई कैन हियर द क्लॉक, जब क्लॉक टक 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 टक, जब काफी ज्यादा रात हो जाती है तो क्लॉक का साउंड भी हमें आता है, डैट इज कॉल्ड आई कैन हियर द क्लॉक। आई कैन हियर द साउंड फीट, जब हम ट्रैम्पिंग करते हैं, जब ट्रम 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 करके चलते हैं तो हम उसको भी सुन सकते हैं। आई कैन हियर द साउंड मूविंग ऑफ चेयर्स, जब चेयर्स हम मूव करते हैं तो उसके जो लेग्स होते हैं उसकी भी हमें आवाज़ आती है। आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग, जो कुत्ते भौंकते हैं हमें उसकी भी आवाज़ आती है। डैट्स ऑल।